परीक्षा सभी जगह शांतिपूर्वक हो गई, एग्जाम सब बेहतर थे और आरएसी की परीक्षा जो है वो 16 तारीख को सुबह की गई और होम गार्ड की परीक्षा 16 तारीख की शाम को की गई। एक वापस करवाएंगे आप? एक परीक्षा को रिशेड्यूल किया जा रहा है क्योंकि वो परीक्षा जो है उसकी इंटीग्रिटी पे हमें डाउट है और हमें ऐसा महसूस होता है कि वो उसको दोबारा कराने से कैंडिडेट्स के लिए भी बेहतर है और हमारी जो परीक्षा उसकी शुचिता भी बनी रहेगी। कब तक तय हो जाएगा? इसको हम शीघ्र ही कराने की कोशिश करेंगे। इस पारी के लिए लगभग 1,62,000 अभ्यर्थी अपेयर किए थे। इन सभी को शीघ्र ही बताया जाएगा कि कहाँ पर नेक्स्ट परीक्षा आएगी। सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था कि अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी, परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द होगी और जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। तो हम मांग करें दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करें, इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जाए जो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को सपनों को बेचने का काम किया है। मान्यता रद्द करें और दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो, नया कानून लागू हो और जिससे अपराधियों में डर हो। आने वाली भर्ती परीक्षा 1 लाख भर्ती परीक्षा होने वाली है तो उसमें बेरोजगारों का विश्वास टूट चुका है, इसलिए अपराधियों में डर होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्त होगी, जेल होगी तो आने वाले समय में बेरोजगारों को न्याय मिल सकता है। तो आज इन्हीं मांगों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जितनी भी भर्ती हुई है, एक भी भर्ती पाक साफ तरीके से नहीं हुई और सभी भर्तियां संदेह के घेरे के अंदर है। राजस्थान पुलिस ये दावा इस बात का कर रही थी कि हम तो पुलिस हैं, हम तो हमारी भर्ती पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कराने का काम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से 14 तारीख की दूसरी पारी में लगने वाले पेपर को पुलिस के डीजीपी द्वारा निरस्त किए जाने के आदेश के बाद अब सवाल इस बात के उठने लगे हैं कि अन्य पेपर भी जो दिए गए हैं क्या उन पेपरों की विश्वसनीयता क्या रहेगी, क्या उन पेपरों को भी लीक के दायरे के अंदर माना जाए। इसलिए राजस्थान की सरकार कानून बनाने के बड़े बड़े दावे इस बात के विधानसभा के अंदर कर रही थी कि हम कठोर कानून नकल विरोधियों के विरुद्ध लेकर आ रहे हैं, लेकिन कठोर कानून का भी राजस्थान के संगठित गिरोह जो बन चुका है नकल कराने वाला, ये अंगूठा दिखाने का काम कर रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान के युवा एक निरस्ता के वातावरण के अंदर जिंदगी जी रहे और उन्हें लगता है कि राजस्थान के अंदर ईमानदारी से एक भी प्रतियोगिता परीक्षा कराने में असमर्थ रही।